हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिजवाना ज़ोल। और मैं हूँ रिजवाना। कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ नाइट से। यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ डिनर, और डिनर में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। सो ऑलरेडी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा आलू का पराठा बन रहा है और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड के प्लेट लगा दिए पराठे, अचार। तो यहाँ पर मैंने दिया है दही। दही में मैंने डाला है सॉल्ट, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर और रेड चिली पाउडर। और मैं अपने वाले दही में मैं ब्लैक सॉल्ट भी डालती हूँ, बट हस्बैंड को पसंद नहीं तो मैं उसमें नहीं डालूंगी। पराठे मेरे तो बहुत फेवरेट है। आप में से किन किन लोगों के आलू के पराठे फेवरेट है ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मैंने रिवान के लिए जो पराठा बनाया है उसमें बेसिकली जो ये मैंने मसाला बनाया ये स्पाइसी वाला है, तो उसके मसाले में मैंने थोड़े और बॉइल्ड आलू डाल दिए तो कम स्पाइसी हो जाए, क्योंकि हम दोनों स्पाइसी खाते हैं। उसको अभी थोड़ा कम स्पाइसी चाहिए। जनरली जब भी मैं आलू का पराठा बनाती हूँ तो मैं साथ में बनाती हूँ उड़द की काली दाल, जो छिलके के साथ रहती है वो वाली बनाती हूँ मैं। बट आज मैंने नहीं बनाई है क्योंकि आज अचानक से प्लान बना इसका और फिर थोड़ा हैवी भी हो जाता है, तो इसके लिए आज मैंने दे दिया है अचार, आलू का पराठा, साथ में दही। यहाँ पर ये रहा रिवान और वो खा रहा है पराठे केचप के साथ, क्योंकि वो दही नहीं खाता, छाछ बहुत पसंद है। सो अभी मैंने लास्ट पराठा डाला है अपने लिए और हस्बैंड का ऑलरेडी फिनिश हो गया है, वो लास्ट पराठा खा रहे हैं। और रिवान तो अभी कंटिन्यू चालू है उसका धीरे धीरे, तो मैं भी डिनर कर लूंगी फिर वापस मैं मिलती हूँ रिवान के साथ। रात के बजे करीब 9 से ऊपर हो गए और मुझे करना था हेयर ऑयल। मैं यहाँ पर बैठी और रिवान आ गया। वो बोल रहा है मैं करूंगा, मम्मा मुझे दे दो। रिवान मम्मा का हेयर ऑयल मसाज करेगा। आपको दिखाती हूँ रिवान का न्यू नाइट ड्रेस, और मैंने काफी दिन पहले बताया था, उसके बाद ब्लॉगिंग ही नहीं हुआ है। शो दे, लेट मी शो यू, कैन यू स्टैंड अप? तो मैं दिखाती हूँ अच्छे से। कैन यू स्टैंड अप? तो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ रिवान कैसा लग रहा है। रिवान क्यूट, ये एक ये फीलिंग है ना, एकदम ही मैं क्या बोलूँ, एकदम अलग फीलिंग है जब भी बच्चे हैं मसाज करें। यू नो आई लाइक, मेरी छोटी सिस्टर है वो एकदम मस्त तरीके से मुझे हेयर मसाज देती थी जब भी हम मिलते थे शादी के बाद, मैं बोलती हूँ। और अभी उसको देख देख के रिवान भी जब भी मैं हेयर ऑयल लगाना स्टार्ट करती हूँ तो ये आ जाता है, ये बोलता है मम्मा मैं मसाज करूंगा। मसाज इज इट डन? ओह वेल डन, नाउ व्हाट आर यू डूइंग? आई कमिंग योर हेयर। अच्छा, अभी ये बोल रहा है कि वो बाल भी बनाएंगे मेरे। योर हेयर इज टू लॉन्ग, I see the mini hair. I want to tie. So ये हमेशा ऐसा ही करता है, जब भी मैं हेयर मसाज अपना स्टार्ट करती हूँ आ जाता है कि वो मेरा मम्मा करेगी और मैं मम्मा का हेयर मसाज करूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी करीब सुबह के मैं बोलूँ तो 8 बज गए और मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, अभी भी अंधेरा है। और एक्चुअली मेरी सभी लाइट है ना वो येलो है, ये सभी आपको शायद व्हाइट दिख रही होगी ये वीडियो में, बट सभी येलो है। तो यू नो मैंने घर में काफी सारी लाइटें चेंज की, बट धीरे धीरे कर रही हूँ, टाइम लगेगा। तो अभी मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी सुबह में ही बारिश स्टार्ट हो गई। आप देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो भी लाइट लगा कर काम कर, देखिए बिल्कुल भी अंधेरा है अभी भी। बारिश स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर। रिवान भी उठ गया है क्योंकि उसका स्कूल का टाइम हो गया है, उसको हस्बैंड ने उठा दिया। बट ये देखिए यहाँ पर सो रहा है। आपने जैसे वीडियो में देखा ही होगा, रिवान ने कल मेरी मस्त हेड मसाज की थी और मैंने वापस से हुडी पहन ली क्योंकि सुबह ठंडी होती है थोड़ी। और यहाँ पर ये देखिए रिवान, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं जस्ट अभी अभी रिवान को स्कूल से छोड़ के रही और अभी आज बारिश रहने वाली है पूरा दिन, आप वेदर देखेंगे पूरा।
और मुझे लेना था मिल्क, तो मिल्क के साथ साथ मैं कुछ और भी लाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। सो मैं साथ में लाई हूँ, हस्बैंड ने बोला था हम ये ट्राई करेंगे यहाँ पर कैसा आता है, मैं लाई हूँ मैंगोस। और अभी ये मैंगो मुझे करके के देखना है कि क्या ये पका हुआ है, लग तो कच्चा रहा है, बट यहाँ पर बहुत मिलता, पहले से मिलता, मैं हर बार देखती थी, बट आई नो मुझे पता नहीं था कि कच्चा है या पक्का है। सो मैं अभी कट करती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को भी ये कैसा है। तो अभी मैं इसको कट कर रही हूँ, देखते हैं अंदर से ये कैसा निकलता है। वाव, अब देखिए ये तो पका निकला एकदम। टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। मैंगो तो एकदम मस्त पका निकला इसमें से। अभी मुझे इसको टेस्ट करके भी देखना है कि टेस्ट में कैसा है। मैं टेस्ट करती हूँ। अच्छा है, थोड़ा खट्टा है, मीठा नहीं है। हस्बैंड आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उनको टेस्ट कराते हैं कि उनको ये कैसा लगता है। टेस्ट करो कैसा लग रहा है तुमको। खट्टा है। अभी इसका तो अचार भी नहीं डालेगा क्योंकि ये पका हुआ है, नहीं तो अचार भी डाल देती। और एक बात ये हो गई, मैं एक की जगह दो उठा के लेके आई एकदम पका हुआ है, बट यू नो जो इंडिया वाला जो मैंगो का जो टेस्ट रहता है, अल्फांसो एंड केसर, वैसा नहीं है, बट यू नो आई लाइक इट क्योंकि मुझे मीठे मैंगो से अच्छा खट्टा लगता है। सो आई लाइक इट, आई कैन लाइक इट। तो अभी मैंगो तो निकल गया, खट्टा इतना भी खट्टा नहीं है, तो मैं इसका बनाऊंगी मैंगो लस्सी। सो मैं इसकी मैंगो लस्सी बना दूंगी, तो उसमें क्या है ना, खट्टा मीठा अच्छा अच्छा हो जाएगा। इन मैंगो और लस्सी हस्बैंड को बहुत पसंद है, और रिवान भी, वो भी पीता है, उसका मूड के ऊपर रहता है। सो मैं अभी मैंगो लस्सी बना के मस्त फ्रिज में रख दूंगी, और जब भी रिवान स्कूल से वापस आएगा तब हम साथ में तीनों पियेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला मैं इसकी मैंगो लस्सी बनाऊंगी, तो मैंने मैंगो लस्सी भी बना ली। सो मैं आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे ये वीडियो का एडिटिंग भी करना है और आज का आज ये वीडियो भी डालना है। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आज का मेरा, तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप में से मुझे बताना कि किस किस का मैंगो फेवरेट फ्रूट है। और हम मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।